नमस्ते, स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में। टोगरी नुच्ची न उंडे और हसी मजी गेहूड़ी बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है दक्षिण कर्नाटका के। आप इस व्यंजन को प्याज और दिल के पत्तों के साथ भी बना सकते हैं। हम इसमें चना दाल और तूर दाल भी मिला सकते हैं। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं पौष्टिक भी है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं ये व्यंजन। टोगरी नुच्ची न उंडे बनाने की सामग्री है तूर दाल, दिल के पत्ते, सूखी लाल मिर्च, कसा हुआ नारियल, हल्दी, धनिया पत्ता, अदरक, हींग और नमक। हसी मज्जी के हुड़ी बनाने की सामग्री है दही, कड़ी पत्ते, हल्दी, कसा नारियल, धनिया पत्ता, जीरा, राई दाना, हींग और नमक। मैंने तूर दाल को 2 घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ है। जब आप इसको गर्म पानी में भिगोएंगे तो ये जल्दी से भीग जाएगी। मैं लूंगी भिगोई हुई तूर दाल। उसमें डालूंगी सूखी लाल मिर्च, अदरक, थोड़ी हींग, अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से पीस लेंगे गाढ़ा मिश्रण बनाने के लिए। पिसा हुआ मिश्रण अब तैयार है। इसको एक बर्तन में निकालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएंगे। इडली वेसल में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसमें मैं ये बर्तन रखूंगी। इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। इसको बाहर निकालेंगे, साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। इसमें डालेंगे कसा हुआ नारियल, दिल के पत्ते, हल्दी, नमक स्वादानुसार। अगर आपको डालना है तो थोड़े धनिया पत्ते। अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ। अब इस मिश्रण में से हम ऐसे बॉल्स बनाएंगे। इसको आप गोल भी बना सकते हैं ऐसे। मैंने इडली प्लेट को तेल से ग्रीस किया हुआ है। अब इसको इसमें रखूंगी पकने के लिए। जब तक ये पक नहीं जाता मैं बनाऊंगी हसी मज्जी के होड़ी। एक बोल में मैं लूंगी कसा हुआ नारियल, धनिया पत्ते, कड़ी पत्ते, नमक स्वादानुसार। राई के दाने, दही,
अच्छे से सबको मिला लीजिए। हसी मज्जी की हुड़ी बहुत ज्यादा गाढ़ा या पानी वाला नहीं होना चाहिए। हसी मज्जी की हुड़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। एक पैन में तेल गरम करेंगे, डालेंगे जीरा, थोड़ी हींग, तड़का अब तैयार है। तोगरी नुच्ची ने उंडे अब सर्व करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं पौष्टिक भी है। तोगरी नुच्ची ने उंडे में अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से आयरन और प्रोटीन है। दिल के पत्ते अपनी पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करते हैं। ये बहुत मदद करता है उन लोगों को भी जिनको है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज।